खबर बांदा जनपद से है, जहां बबेरू विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा बबेरू विधानसभा से अजय पटेल को प्रत्याशी बनाया गया, जिसमें प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार अपने विधानसभा पर आने पर भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों के द्वारा फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। पूरा मामला बबेरू विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिमोनी गांव के पास का है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक घोषित प्रत्याशी अजय पटेल पहली बार विधानसभा बबेरू के आगमन पर कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के द्वारा सिमोनी गांव के पास जोरदार फूलमाला पहनाकर प्रत्याशी अजय पटेल का स्वागत किया गया। वहीं विधानसभा बबेरू के सरजमी पर आते ही सड़क पर पूजा अर्चना कर नारियल तोड़ अपने विधानसभा में प्रवेश किया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए घोषित प्रत्याशी अजय पटेल ने बताया कि शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मुझे भाजपा से प्रत्याशी बनाया गया है, यह टिकट मुझे नहीं मिला, मेरे सभी एक एक कार्यकर्ताओं को मिला है, जिससे यहाँ की जनता और कार्यकर्ता काफी खुश हैं। मैं बबेरू विधानसभा के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूँ। हम सब मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों को मजबूत करेंगे। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल, बबेरू ब्लॉक प्रमुख रमाकांत पटेल, कमासिन ब्लॉक प्रमुख रविंद्र गर्ग, उद्धव सिंह परिहार, कमल द्विवेदी, विवेकानंद गुप्ता, राम नरेश मिश्रा, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष नीरज पांडे, राजा दीक्षित सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी केंद्रित नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने बबेरू विधानसभा के कार्यकर्ताओं की मनोभावना, उनका स्नेह, उनका प्यार को टिकट के रूप में मुझको दिया है। निश्चित रूप से मेरी विधानसभा का एक कार्यकर्ता चर्चा में एक बार जरूर मेरे लिए निवेदन करता रहा है, उसका यह परिणाम है और यह है आज मुझको टिकट के रूप में जो यह जिम्मेदारी मिली है। आज पूरे विधानसभा का एक एक पदाधिकारी, कार्यकर्ता, शुभचिंतक, सारे लोग प्रत्याशी हैं और सबको टिकट मिला है, ऐसा मुझको, चूँकि रात, पूरी रात मैं अपने कार्यकर्ताओं से अलग नहीं हो पाया, पूरी रात वार्ता होती रही मेरी, और बड़ा उत्साह, बड़ा उमंग है और हम सब, सारी टीम, बबेरू विधानसभा के सारे लोग एक साथ हैं। सबको मैंने प्रणाम किया है, रात में अपने वरिष्ठों को भी प्रणाम किया है और हम लोग लगकर रात दिन पार्टी के इस महासमर में, 2022 के महासमर में पूरी ताकत के साथ लग करके अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और बबेरू से यह जो माला आप लोगों ने, तो एक एक फूल, एक एक माला बना करके हम उनको समर्पित करेंगे। बोलिए भारत माता की। मैं यहाँ आए हुए समस्त अपने जो हमारे विधानसभा के वरिष्ठ से वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनका बहुत बहुत यहाँ धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करता हूँ और पार्टी नेतृत्व से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आप लोगों के विश्वास मेरे ऊपर छोड़ करके मुझको आप लोगों